मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप गंजना विद्यापीठ हेलो पैलोजी में। तो बच्चों, आज हम फिर बात करने वाले हैं नीट 2023 के क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर की। तो बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे सपोर्ट करना है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा आज का प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है द फिनोमिनोन ऑफ फेलियोट्रॉफिज्म रेफर्स टू। ठीक है, क्वेश्चन में साधारण रूप से पूछा है कि जो फेलियोट्रॉफिज्म है वह क्या है। ठीक है, तो हमें बस क्या करना है, इसके लिए एनसीईआरटी को पढ़ना है, समझना है और बस अपना आंसर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है इसमें जो, तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन क्या कहता है। प्रेजेंस ऑफ टू एलेल्स, ईच ऑफ टू जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल ट्रेट। सिंपल सी बात इसमें कही गई है कि जो एलेल्स होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर जीन के, तो वो जो दोनों जीन हैं, ठीक है, वो जो दोनों एलेल्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं एक सिंगल ट्रेट को। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, तो बच्चों इस कंडीशन को हम कहेंगे कोडोमिनेंस। क्या कहेंगे, को डोमिनेंस। क्योंकि को डोमिनेंस में क्या होता है कि जैसे मान लो ये ए जीन है और ये बी जीन है, ठीक है, तो ये दोनों साथ में एक्सप्रेस होते हैं, यानी कि ये कंट्रोल करते हैं एक सिंगल जीन को। जैसे कि हमें पता है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो एग्जाम्पल है किसका, को डोमिनेंस का। यहाँ पर देखो ये ए जीन है, ये आई ए जीन था, ये आई बी जीन था, इन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया एक सिंगल ट्रेड में और ये हम और फिर जो हमें फिनोटाइप मिला उसको हमने कहा ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये फेलियोट्रॉफिज्म की कंडीशन नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। वहां पर हमें क्या दिया गया है, अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों ये है फेलियोट्रॉफिज्म। ठीक है, जहां पर एक सिंगल जीन जो है वो क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है एक साथ कई सारे एक्सप्रेशन को, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को। तो यहाँ ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है जब मेटाबॉलिक जीन की बात करते हैं, क्योंकि एक मेटाबॉलिक जीन जो है वो जो इंजाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, वो जो इंजाइम है वो सिर्फ एक मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, वो कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व भी होता है। साथ ही साथ उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस जो है, क्योंकि जो वो कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस पर भी अफेक्ट करती है। क्योंकि अगर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन एक पर्टिकुलर एंजाइम की नीड है और वो एंजाइम एक्सप्रेस नहीं हुआ है, तो आने वाली जितनी भी स्टेप्स होंगी वो उसको प्रभावित करेंगे ही करेंगे, जिससे पूरी मेटाबॉलिक साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, तो एक सिंगल जो जीन है वो अफेक्ट कर सकता है मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फेलियोट्रॉफिज्म। इस कंडीशन को हम कहते हैं फेलियोट्रॉफिज्म। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड वाला ही है। बाकी परिभाषा को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो थर्ड ऑप्शन है वो कह रहा है मोर देन टू जीन्स। ठीक है, दो से अधिक जीन यदि एक सिंगल कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहने का मतलब है कि तीन और तीन से अधिक जीन जब एक सिंगल कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं तो हम उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं हम उसको, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें हमें क्या दिया गया, एक बार उसको भी देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलेल्स फॉर ऑफ सिंगल जीन, यानी कि किसी भी एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, किसी एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को एक कई सारे जो एलेल हैं उसके लिए प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताए। ठीक है, उस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टीपल
एलिज्म। ठीक है, तो ये जो हमारा ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये इसी की कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीन जीन होते हैं आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये डोमिनेंट जीन होते हैं, जबकि ये वाला जो जीन होता है ये कैसा होता है, ये रिसेसिव होता है। तो यहाँ पर आप देखो ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कितने जीन्स हैं, तीन जीन्स हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन कैसी है, ये कंडीशन है मल्टीपल एलिज्म की। तो बच्चों यदि हम अपने प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है वह दूसरा वाला। तो चलो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।